के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी द ड्रैगन मैन का नाम सुना है, यानी कि इंसानी ड्रैगन? और ये कोई कार्टून स्टोरी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो इस दुनिया के सामने आ चुकी है। लेकिन आखिर ये ड्रैगन मैन है कौन, और ये दिखते कैसे हैं, और क्या ये खतरनाक भी होते हैं? आइए पता लगाते हैं। हम सभी जानते हैं कि मानव प्रजाति का विकास किस प्रकार से हुआ है, कि किस तरह से हम बंदरों से इंसानों में तब्दील हुए हैं। लेकिन ये सफर काफी लंबा था, जिसमें हम इंसान बनने से पहले कई सारे स्टेजेस से गुजर चुके हैं। और वैज्ञानिकों की माने तो हम इस मानव रूप में तब्दील होने से पहले जिस स्टेज में थे वो थे नीदरथल्स। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई, वैज्ञानिक अपने आप को समय में पीछे धकेलते जा रहे थे, और तभी उन्हें मानव प्रजाति की एक अलग प्रकार की हड्डी मिलती है जो उन्हें उत्तर पूर्वी चीन से बरामद हुई थी। और इस अवशेष ने हमारे मानव प्रजाति में एक और नई स्पीशीज को जोड़ दिया, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया द ड्रैगन मैन और होमो लोंगी। साथ ही में वैज्ञानिकों ने इस नई स्पीशीज यानी कि ड्रैगन मैन को नीदरथल से रिप्लेस भी कर दिया। लेकिन इस अवशेष को खोजे जाने के पीछे भी एक बड़ी ही रोमांचक कहानी है। स्टोरी बिहाइंड फाइंडिंग द ड्रैगन मैन। दोस्तों, यूं तो इस अवशेष को 1930 के दशक में ही खोज लिया गया था, लेकिन जापानी सेना से बचाने के लिए चाइना में मौजूद ड्रैगन रिवर के पास एक कुएं में छिपा दिया गया, जहां ये पूरे 85 साल तक दबी रही थी। लेकिन फिर इसे दोबारा से 2018 में खोजकर GEO यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जी कियांग को सौंपा गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इस अवशेष के बारे में सभी अहम जानकारियों को ढूंढ निकाला। आइडेंटिटी ऑफ द ड्रैगन मैन। खोज में बरामद हुए इस अवशेष के रूप में इस खोपड़ी को पूरे 1.46 लाख साल पुराना बताया गया, और ये भी कहा है कि इसका मस्तिष्क बिल्कुल हम इंसानों के जैसा ही है, लेकिन आंखों का आकार और शरीर का आकार काफी बड़ा है। इसके मुंह का आकार और दांतों का आकार भी हम इंसानों से कई गुना बड़ा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन क्या आपके मन में कभी ऐसे ख्याल आते हैं कि क्या होता अगर हम समय को रोक पाते, कितना अच्छा होता, हम जो मन चाहे समय को रोक के कर सकते? तो आप इस वीडियो को जरूर से देखें, क्या पता आपके लिए फायदेमंद साबित हो जाए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।